तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जब भी आप अपना जियो नंबर या फिर अपने फैमिली मेंबर में से किसी का भी जियो नंबर गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम जैसे एप्लीकेशन से रिचार्ज करते हैं, तो वहां पर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी लिया जाता है। प्लेटफॉर्म फीस के नाम पर आपसे 2 से 3 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाते हैं और आपको पे करना ही पड़ता है, जो कि सबसे बेकार लगता है, यानी कि हमें रिचार्ज कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक ऐसे तरीकों से रिचार्ज करना, एक ऐसे एप्लीकेशन की तलाश में है जिसके जरिए अगर आप रिचार्ज करें तो आपको वहां पर कैशबैक भी मिले और साथ ही साथ आपको सस्ते दामों में यानी कि कम पैसों में रिचार्ज भी हो जाए, तो आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको माई जियो ऐप के थ्रू किसी भी जियो नंबर की रिचार्ज करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे आप रिचार्ज करेंगे जो कि कम से कम रुपये में और अच्छे से अच्छे वैलिडिटी के साथ, यानी कि ज्यादा दिनों के वैलिडिटी के साथ आप रिचार्ज कर सकते हैं, वो भी 5G अनलिमिटेड। जी हाँ, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज तो देना नहीं पड़ेगा, प्लस में आपको कैश बैक भी देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि अगर आप फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम जैसे एप्लीकेशन से जियो नंबर या फिर किसी भी नंबर का रिचार्ज करते हैं तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फोन पे की बात करें तो अगर आप फोन पे से 749 का रिचार्ज करते हैं किसी भी जियो नंबर का, तो आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको 3 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, जो कि टोटल मिलाकर के आपको 752 पे करना होगा, ठीक है। 3 रुपये आपसे प्लेटफॉर्म फी के नाम से लिए जाएंगे। इसके अलावे अगर गूगल पे की बात करें तो सेम वही फंडा है, यहाँ पर कुछ कम है लेकिन आपसे लिया जरूर जाएगा, जैसे कि 749 का है और यहाँ पर कॉन्वीनियंस फी के नाम पर आपसे 1.90 पैसे यानी कि 1 रुपये 90 पैसे लिए जाएंगे। टोटल मिलाकर के आपको 750 रुपये 90 पैसे पे करने होंगे, जो कि मुझे सबसे बेकार लगता है। एक्स्ट्रा चार्ज हम क्यों दें किसी भी कंपनी को, ठीक है ना, हम उतना ही पैसे क्यों ना दें जितना का हम रिचार्ज कर रहे हैं, और सभी लोग ऐसा ही चाहते होंगे। साथ ही साथ कैशबैक या फिर बहुत सारे यूजर्स तो ये भी चाहते हैं कि सस्ते दामों में कम से कम पैसों में अनलिमिटेड मुझे सेवा मिल जाए, तो आखिर में ये कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको चलते हैं लेकर के माई जियो ऐप एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आप माई जियो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। माई जियो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप अपना जियो नंबर इनपुट कर दीजिए और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, जैसे ही आप नंबर इनपुट करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज आएगा, आप अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पर, जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाता है। अगर नहीं करता है तो आप मैनुअली भी फिलअप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है और उसके बाद अलाउ कर देना है, फिर से अलाउ कर देना है। बस आपका कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपने माई जियो ऐप में अपना नंबर लिंक कर लिया। अब बात करते हैं कि माई जियो ऐप से आप किस तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं ताकि आपको कम से कम पैसों में आपका कोई भी जियो नंबर रिचार्ज हो जाए, वो भी ज्यादा से ज्यादा वैलिडिटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप अपना या फिर अपने फैमिली में से किसी भी नंबर का रिचार्ज करना चाहते हैं, तो रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि अनलिमिटेड आपको 5G देखने को मिल रहा है, जैसे कि 749 का 90 डेज, और उसके बाद 1 ईयर का वैलिडिटी है यहाँ पर 2999 का है, 2999 रुपये का है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कई सारे रिचार्ज प्लान है, आप किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है अगर आपके लिए, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सस्ते दामों में कम से कम पैसों में अनलिमिटेड 5G ले सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले तो आप देखिए ऊपर में आपका नंबर शो करेगा, अगर आप इसी नंबर को रिचार्ज करना चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे पर्सन का नंबर रिचार्ज करना चाहते हैं तो सिंपल बैक आ जाइए। बैक आने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा, रिचार्ज फॉर ए फ्रेंड, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर अब आपको उनका नंबर डालना है जिसको आप रिचार्ज करना चाहते हैं, या फिर अगर आपने उनका नंबर सेव कर रखा है तो सिंपल यहाँ से आप कॉन्टेक्ट लिस्ट से उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसका आप रिचार्ज करना चाहते हैं। जैसे ही आप नंबर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फिर से अगेन इस तरीके से पेज आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर में नंबर भी आपको दिख जाएगा। अब आपको करना क्या है, सिंपल कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है।
जब आप इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन आएगा वैल्यू का। आपको इन सारे ऑप्शन को, इन सारे डाटा प्लान को नहीं लेना है, आप सिंपल यहाँ पर वैल्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको सस्ते दामों में, कम से कम रुपए में, अच्छे खासे वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड 5G देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। जहां पर आपको 750 रुपये 3 महीने के लिए पे करने पड़ते हैं, मैं आपको अगेन दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप चाहते हैं 3 महीने के लिए करना है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ओके 398 का, 866 का है, 84 दिन के लिए 2 GB पर डे आपको मिलेगा और अनलिमिटेड 5G आपको 866 रुपये में मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप वैल्यू वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए 395 रुपये, सिर्फ 395 रुपये में आपको 84 दिन के लिए मिलेगा अनलिमिटेड 5G। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आपका 4G सेट है, यानी कि आपका जो डिवाइस है वो 4G है, तो फिर आप इस प्लान को सेलेक्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर डाटा आपको दिखाया जा रहा है 6 GB और यहाँ पर भी एक 1 ईयर का प्लान है, उसमें भी डाटा आपको 24 GB ही दिखाया जा रहा है। अब ये क्या है इसको भी समझ लीजिए ताकि बाद में आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर जो डाटा आपको 6 GB दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि इस 84 दिन तक, यानी कि जितने दिनों की वैलिडिटी है आपके रिचार्ज प्लान की, उतने दिन तक आपको 4G जो डाटा मिलेगा, 4G की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ 6 GB ही मिलेगा। तो अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर 5G नेटवर्क अभी अवेलेबल नहीं है और 4G आप यूज कर रहे हैं डिवाइस को, तो फिर आप इस प्लान को रिचार्ज मत कीजिएगा, अदरवाइज सिर्फ 6 GB ही डाटा मिलेगा, उसके बाद आपको नेट समाप्त हो जाएगा और अलग से फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जो 5G डिस्कवरेबल है, यानी कि वहां पर 5G नेटवर्क सही तरीके से काम करता है, ठीक है, और साथ ही आपका डिवाइस 5G सेट है, तब आपके लिए यह जो ऑप्शन है, यह जो प्लान है, काफी बेटर होने वाला है। सस्ते दाम में अच्छी खासी वैलिडिटी के साथ आप रिचार्ज कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक प्लान आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल यहाँ पर आपको करना क्या है, रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उससे पहले अगर आप और भी डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो व्यू डिटेल्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको पैक वैलिडिटी मिल रहा है 84 डेज का, टोटल डाटा जो है 6 GB का, डाटा एट हाई स्पीड 6 GB, वॉइस आपको अनलिमिटेड मिलेगा और SMS 1000, उसके बाद जियो एप्स एंड अदर सब्सक्रिप्शन जैसे जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो क्लाउड, इन सारी चीजों का सब्सक्रिप्शन भी आपको 395 में मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अनलिमिटेड 5G आपको मिलेगा जो कि 84 डेज के लिए मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर आप 5G यूज करते हैं तो फिर आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिचार्ज करने के लिए सिंपल आप रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक पेज आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपसे टाइम लिया जाएगा और यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर से आप किसी भी माध्यम से, फोन पे, गूगल पे या फिर क्रेडिट, जो भी आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, या फिर आप अपने ATM कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है ट्वीट, अगर आप ट्वीट के थ्रू, ठीक है ना, रिचार्ज करते हैं तो आपको अप टू 27 रुपीज, यानी कि 27 रुपये तक का कैशबैक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर कम से कम पैसों में रिचार्ज भी हो रहा है, ठीक है, अच्छी खासी वैलिडिटी के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 27 रुपीज का कैशबैक भी मिल रहा है। तो आपको जैसी इच्छा, अगर कैशबैक लेना है तो सिंपल ट्वीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, अगर कैशबैक नहीं लेना है तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर भी देखिए, क्रेडिट एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप रिचार्ज करते हैं 249 से ज्यादा या कम से कम 249 का, तो भी आपको यहाँ पर 15 रुपये का कैशबैक देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर क्रेडिट को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर पे इंस्टेंटली का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल 395 रुपीज आपको पे कर देना है, ओके। तो आपके इसी बैंक अकाउंट से डेबिट होगी पैसे, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको जो कैशबैक मिलने वाला है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो मैं यहाँ पर पे इंस्टेंटली पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप पे इंस्टेंटली पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए 395 रुपीज आपको दिख जाएगा और यहाँ पर आपको UPI पिन इनपुट कर देना है। UPI पिन इनपुट करने के बाद अब आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, प्रोसेसिंग लिया जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और देखिए आपके अकाउंट से 395 रुपीज डेबिट हो चुके हैं, मैसेज भी आ चुका है, ठीक है, माइनस में, और रिचार्ज ऑफ इतना इज सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिंपल डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पर इसको कट कर दीजिए और यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, डन, आस्क मी लेटर कर दीजिए। बस इतना सा ही प्रोसेस आपको करना है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो रिचार्ज हो जाएगा।
ठीक है ना। तो इस तरीके से आप माई जियो ऐप के थ्रू कम से कम रुपये में ज्यादा वैलिडिटी के साथ वो भी कैशबैक मिलते हुए रिचार्ज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि रिचार्ज मेरा मोबाइल हुआ है या फिर नहीं। मैं आपको दूसरा मोबाइल फोन दिखाता हूँ जिसको मैंने रिचार्ज किया है, मैं आपको मैसेज ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे को मैसेज आ चुका है और यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा, प्लस में अभी का टाइम भी दिख रहा होगा 4:51 और 395 का प्लान भी आपको दिख रहा होगा और सारा बेनिफिट्स जैसे कि अनलिमिटेड डाटा 6 GB, अनलिमिटेड कॉल्स, उसके बाद 1000 SMS, ठीक है, वैलिडिटी आपको 84 डेज का मिल रहा होगा और प्लस में यहाँ पर आपको अनलिमिटेड 5G का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग माई जियो ऐप के थ्रू किसी भी जियो नंबर का रिचार्ज इजी तरीके से कर सकते हैं और वो भी सस्ते दामों में, यानी कि कम रुपए में ज्यादा वैलिडिटी के साथ। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है इस रिचार्ज से रिलेटेड तो आप मुझे बेझिझक नीचे कॉमेंट कर दीजिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी विजिट कीजिए, बेसिक से बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी।